ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मना बुद्धि मामेव इष्यसि असंशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भगवान इसमें बता रहे हैं कि किस रूप में भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान के अनंत रूप हैं, अनादि अनंत रूपम हम जानते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्तों के लिए अनेक अनेक युगों में अनेक अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनके अनेक रूप हैं भगवान के, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक आदि स्वरूप है, एक आदि रूप है जिसको हम कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण का जो रूप है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, आदि पुरुष जो है वो गोविंद है, कृष्ण है, और फिर उन्हीं गोविंद में से उनकी शक्तियाँ बहुत सारे उनके रूप पैदा करती हैं, उनके स्वांश निकलते हैं, लेकिन वो एक ओरिजिनल कैंडल की तरह हैं जिससे हजारों और कैंडल्स जलाई जाती हैं, लेकिन वो दैट ओरिजिनल कैंडल इज कृष्ण हिमसेल्फ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एतः चांस कला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं चांस कला, अपना स्व अपना अंश और अंश का अंश, ये सारे भगवान के अंश हैं और अंश के अंश हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम, गीता का संदेश है ये, गीता के संदेश को सर्वोपरि माना जाता है, ये ज्ञान का बिल्कुल गुह्यतम सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है। इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव मेरे इस मेरा चिंतन करना चाहिए, मेरे इस रूप का जो कि अर्जुन के सामने खड़ा है। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि वो मेरा रूप कौन है। आप अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे लिए खाना लाओ, तो आप पता लगा मेरे पिताजी के फोटो में माना खाना देने लग जाओगे। ये मेरे का मतलब है वो मेरा जिसके ये अंश हैं, वो पिताजी, वो शक्ति, ऐसा लोगों ने गीता का टिप्पणी करी है। लेकिन प्रभुपाद की गीता क्योंकि यथारूप है, गीता भगवद गीता एज इट इज़, तो बड़ा जाहिर सी बात है अगर कोई बोले मुझे खाना दो तो हम उसी को खाना देंगे ना। कोई बोले मेरा ध्यान करो, तो इसमें हम कैसे सोच लें कि ये कृष्ण कोई और है, वो परमात्मा कृष्ण कोई और है। इसलिए प्रभुपाद ने बिल्कुल सीधा लिखा है यहाँ पर अपने ट्रांसलेशन में कि तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। दैट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म। इस फॉर्म के ऊपर हमें मेडिटेट करना चाहिए कृष्ण रूप में। जो कि श्याम सुंदर हैं, जो कि बांसुरी बजाते हैं, जो कि ग्वाल बाल के साथ खेलते हैं, जिनके साथ गोप हमेशा रहते हैं, गोपियाँ हमेशा रहती हैं, जो हमेशा अपनी मधुर लीलाएं करते हैं, जो सबसे सबसे सुंदर सबसे अट्रैक्टिव हैं, ऐसे कृष्ण, तो उनके ऊपर मेरा चिंतन कीजिए। क्योंकि भगवान का चिंतन ऐसा चिंतन है जो कि शुद्धता शुद्ध कर देता है ना। जैसे ही हम भगवान का चिंतन करते हैं भौतिक माया दूर चली जाती है। जैसे ही हमारे दिमाग में कई बार बुरे विचार आते हैं तो तुरंत भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान के चरणों का दर्शन कीजिए, भगवान के नाम लीजिए, तो सारे बुरे विचार चले जाते हैं, गंदे विचार चले जाते हैं। अतः इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम सदैव मेरे कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो। सो कृष्णा इज नॉट सेइंग कि यदि तुम मेरा चिंतन करो तो काम काज छोड़ दो, काम काज छोड़ दो। बट काम काज कौन सा करना चाहिए वो भी बड़ा, वो आगे अगली लाइन में बताएंगे। तो कई लोग इससे गलत मीनिंग भी निकाल सकते हैं, कई मीनिंग ये भी निकाल सकते हैं कि मेरा चिंतन करो तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कई ये भी निकाल सकते हैं कि देख रहे हैं ना, साथ में भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करके कर्तव्य कोई पूरा करो, तो कर्तव्य करना चाहिए ना प्रभु जी, एक बार नौकरी घर बार बच्चे बच्चे वगैरह सब करने चाहिए, उसके बाद जो समय मिले वही भक्ति में लगाना चाहिए, ऐसे ही है ना। लेकिन देखिए ये लाइन में बड़ा क्लियर लिखा है, तुम सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव बोल रहे हैं, तो यानी कि जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य को करते करते भी मेरा चिंतन करो। अदरवाइज सदैव सदैव वर्ड यहाँ यूज नहीं कराया जाता कि तुम सदा ही मेरा चिंतन करो।
सर्वेशु कालेशु, हर समय, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, घर बार, बीवी बच्चे, नौकरी इत्यादि, पढ़ाई इत्यादि, सभी समय मेरा चिंतन करो और उसके साथ साथ क्या करते रहो, अपने कर्तव्य को करते रहो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? युद्ध करना, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, रक्षा करना, समाज में एक लॉ एंड ऑर्डर बनाना, ऐसा समाज बनाना जहाँ लोग कृष्ण भक्त हों, भक्ति करें, दूसरों को भक्ति करने के प्रेरित करें और जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के धाम में जा सकें, ऐसा समाज की व्यवस्था करने के लिए क्षत्रिय की आवश्यकता होती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली सिक्योरिटी के तरीके से धन से ब्राह्मणों को मदद करता है ताकि वो ये कार्य आराम से कर सकें। तो इसलिए बता रहे हैं कि युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करो, लेकिन मेरा चिंतन मत छोड़ना, काम करते करते मेरा चिंतन नहीं छूटना चाहिए। अब आगे अगली लाइन बता रहे हैं, व्हाट इज दैट कर्तव्य, कर्तव्य क्या है, क्योंकि कर्तव्य के नाम पे गीता का बहुत मिस यूटिलाइजेशन हुआ है, गीता को एक तरह से काट छांट दिया गया है, उसके मतलब को बदल दिया गया है। कर्तव्यों को पूरा करना ही पूजा है, लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, ऐसी पूजा क्या ये कि आप अपना काम छोड़ दो, अपना ये छोड़ दो। तो पहली बात तो ये कि भगवान काम छोड़ने को बोलते नहीं है, बिल्कुल क्लियरली प्रभुपाद भी बिल्कुल यहाँ बता रहे हैं। देखिए अर्जुन को दिया गया उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि जो कार्यों में, जो सामाजिक कार्यों में व्यस्त हैं, उन व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे, लेकिन कर्तव्य क्या है उसको पता चल रहा है इस अगली लाइन से। वो कर्तव्य क्या है, वो कह रहे हैं च मई अर्पिता, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, कर्मों को समर्पित करके। कर्मों को समर्पित करने का मतलब क्या होता है, कर्मों को समर्पित करने का मतलब होता है कर्म के फल को मुझ में समर्पित करो, या फिर कर्म ही मेरे लिए करो, वो और बेहतर है। नहीं तो आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, चलो अभी कृष्ण के लिए ही कर्म करना, ये हमारी चेतना इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो हम जो भी कर्म करें उसके फल जो आएगा, क्योंकि हम कर्म करते हैं, रजोगुण है हमारे अंदर, तो हमें लगता है कि ये मैंने क्रिएट किया, ये मैंने कुछ किया, नाउ आई विल ऑफर दिस टू कृष्ण, कम से कम इतना भी है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने अपना जो बुद्धि लगाई उसमें, मन लगाया, समय लगाया, धन लगाया, वो चेतना लगाई, उसको आपने फाइनली प्रोडक्ट को, आउटपुट को भगवान को अर्पित किया, समर्पित किया, भगवान को समर्पित किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको लगा दिया, भगवान की सेवाओं के कार्यों में उस फल को लगा दिया। कोई अपनी बुद्धि को लगाता है, कोई अपने मन को लगाता है, कोई अपनी वाणी को लगाता है, अपने हुनर, जो भी स्किल भगवान ने हमें दी है, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, हम उस सारे उस प्रोफेशन को भगवान की सेवा में यूज़ करने का प्रयास करते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरा प्रोफेशन कैसे यूज़ हो सकता है, तो ज़रूर हमसे मिलिए, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप इस स्किल को भगवान की सेवा में लगाएं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो, ये है कर्तव्य, वास्तविक कर्तव्य ये है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप इस तरह से अपना जीवन जिए कि पूरे दिन बच्चों को संभालो, घर को संभालो, बिजनेस को संभालो, और बाद में अगर समय मिलता है तो मेरा ध्यान कर लो, चलो रिटायरमेंट के समय मेरा ध्यान कर लेना, दिस इज़ गुड, कम से कम आपने बच्चों का पालन पोषण भी तो किया। दिस इज़ नॉट द वे, कृष्णा ने ऐसा पूरी गीता में कहीं नहीं कहा। जब भी कर्तव्यों की बात हुई है तो यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म वंदना, आप भगवान बोलते हैं कि कर्म कौन सा कर्म कीजिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कीजिए, यानी कि अपने परिवार को भी चलाइए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यदि हम अपने परिवार को कृष्ण भावनामृत बनाने में पूरा दम लगा दें, समाज को बनाने में लगाते हैं, उसके लिए अपना धन लगाएं, अपनी रेपुटेशन लगाएं, अपनी पद पोजीशन को यूज़ करें, जो भी व्हाटएवर जो भी भगवान से हमें मिला है उसको उनकी सेवा में लगाएं। ये बता रहे हैं अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, तथा उसके बाद मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके। कई बार हम बुद्धि लगाते हैं लेकिन मन नहीं होता है, जैसे कि अभी कई सारे लोग क्लास को सुनने का प्रयास कर रहे होंगे लेकिन आपके दिमाग में बीच बीच में आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो आ रही होंगी इस वक्त While you are listening, दिन भर में जो हुआ और दिमाग बार बार उधर जा रहा होगा, तो बुद्धि से आप उसको खींच के लेके आते हैं लेकिन मन जो है बार बार उधर चला जाता है। तो इस तरह से कई बार मन तो बहुत लग रहा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो अभी बुद्धि नहीं लग पा रही है ढंग से, क्योंकि अभी इतनी शार्प नहीं हुई है कि बातों को समझ जाए। इसलिए दोनों चीज़ों को लगाना आवश्यकता है, खाली बुद्धि को लगाएंगे, मन नहीं लगाएंगे तो आधी बात घुसेगी, आधी बात कहीं और चला जाएगा इतनी देर में, और मन को लगाएंगे और बुद्धि दिमाग लगाने का, दिमाग कैसे लगाएं जब दिमाग कम है, तो ऐसे लगाएं कि हम ध्यान से सुने, प्रश्न पूछें, बाद में अपने किसी और स्पिरिचुअल फ्रेंड से बात करें कि ये वाली लाइन मुझे समझ नहीं आई थी, अगर पूछ नहीं पा रहे हैं तो बाई चांस ये लाइन समझ नहीं आई थी इसका अर्थ बताइए, तो आप बुद्धि लगा रहे हैं,
धीरे 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 आप देखेंगे आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ेगा। डोंट डू दैट कि ये लाइन समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है इतना तो, बैठ तो गए ना। तो मन को और बुद्धि को दोनों को स्थिर करके भगवान में लगाना है, और निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो दोबारा से सुनते हैं, भगवान कह रहे हैं कि सदा ही मेरा चिंतन करो। पहली बात तो ये, सदा ही मेरा चिंतन करो, यानी कि देर शुड बी नो टाइम इन द 24 आवर डे वेन वी डोंट मेडिटेट अपॉन कृष्णा। इसलिए ये उन लोगों के लिए भी है जो गृहस्थ हैं, खासतौर पर अर्जुन तो गृहस्थ ही था, बल्कि युद्ध भूमि में है। बताइए, आपको बोला जाए कि पड़ोसियों ने, प्रभु जी कई बार होता है ना, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, हाँ कुछ हो गया, लठ लेके आ गए, झगड़ा हो गया, मारम पीट हो रही है, आप बोलो कृष्ण का ध्यान, अरे भैया कृष्ण का ध्यान बाद में, पहले। तो भगवान ऐसी स्थिति में अर्जुन है जहाँ पे केवल लकड़ी से लठ से नहीं मारा जा रहा है, तो बाणों से तलवारों को लेके खड़े हैं, काट देंगे, मार देंगे। ऐसे में भी भगवान कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करना मत छोड़ना है अर्जुन, बाणों को तो मार रहे हो। सी सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन में भी भगवान कह रहे हैं चिंतन करते रहो, या इन अदर वर्ड्स मेरे लिए लड़ो। चिंतन करने का एक और रूप है कि जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा कर लो, तो सर मेरा चिंतन ही तो कर रहे हो तुम, इसका मतलब। भगवान ने बोला चलाओ बाण चलाओ, भीष्म पितामह पे बाण चलाओ, द्रोणाचार्य पे बाण चलाओ। तो अर्जुन ने कहा जी, इसके ना सुनने के बाद, गीता सुनने के बाद, तो दैट मीन्स ही इज डूइंग इट, द फाइट जो वो कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण के चिंतन में कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये, इतना हम सभी कर सकते हैं जब कृष्ण युद्ध स्थल में कृष्ण का, जब अर्जुन युद्ध स्थल में कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं, तो हम लोग अपने पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। उसके बाद में साथ साथ अपना काम काज करते रहो, लेकिन उन काम काज को मुझे अर्पित कर चले करते चलो, या मेरी प्रसन्नता के लिए करो, या मेरे अनुसार करो। कृष्णा नेवर सेज कि डू व्हाटएवर यू वांट। अर्पित आपको भगवान को क्या अर्पित करेंगे? आप भगवान को वही तो अर्पित करेंगे जो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। क्या कोई ऐसा घृणित कार्य करेंगे जो वेदों में नहीं लिखा है, बताया नहीं गया, गलत है? आप बोलेंगे ये मैं भगवान को अर्पित करता हूँ, ये मैं लूट खसूट करूँगा और सारा पैसा डोनेशन में दे दूँगा, ऐसा तो नहीं बताया गया। इसलिए कर्मों को भी क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए हमें एक गुरु धारण करने पड़ते हैं, या आध्यात्मिक दृष्टि से जो उन्नत है, वैष्णव है, उनके पास जाना पड़ता है, वो बताते हैं कि ऐसे करो। और उसके बाद में मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि में लगाओ, यानी कि 100% दो, गिव मी योर 100%, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा, गिव योर बेस्ट टू कृष्णा। आज हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने बचपन से न जाने कितने मेहनत के कार्य करते हैं, और है ना, अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, चीज़ों के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, कि हम लोग पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको अगर अपना बचपन याद आएगा कभी, कि हमने कितने एफर्ट डाले थे, लेकिन उतना 100% हम देते नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, मन भी दो, बुद्धि भी दो, कर्तव्य भी दो, मेरा चिंतन भी करो, यानी कि गिव योर बेस्ट टू कृष्णा एंड देन लीव रेस्ट ऑन कृष्णा। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करे, कृष्ण का चिंतन करे इस प्रकार, इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिस इज द गारंटी कृष्णा इज गिविंग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद्गीता की जय।